जोहार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज आप लोगों को झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो झारखंड में जलप्रपात के बारे में विस्तार पूर्वक अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जलप्रपात ऊंचाई से जब जल गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, या ऊंचे पहाड़ से जब पानी नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। दोस्तों, कहने मतलब है दोस्तों, ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है, हमेशा गिरते रहता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, झारखंड में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है, इसीलिए यहाँ दूर दराज लोग पर्यटक के रूप में देखने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सीक्वेंस वाइज जो सबसे ऊंचा है उससे थोड़ा ऊंचा है, जो पहला नंबर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जलप्रपात लातेहार में है। दोस्तों, ये झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई 137 मीटर और फीट के अगर हिसाब से देखेंगे तो 450 फीट इसका ऊंचाई है। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये झारखंड का सबसे ऊंचाई जलप्रपात या ऊंचा जलप्रपात है, जो इसका नाम बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो लातेहार जिला में है और इसका ऊंचाई 137 मीटर है और अगर फीट में देखेंगे तो 450 फीट है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं हुंडरू जलप्रपात। दोस्तों, ये जो है लातेहार बूढ़ा घाघ जलप्रपात, वो उत्तरी कोयल नदी पे है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात जो रांची में है, ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई 98 मीटर और फीट में अगर देखेंगे तो 321 फीट ये है। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड का दूसरा ऊंचाई जलप्रपात है और ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। इसका ऊंचाई मीटर में 98 मीटर और फीट में 321 फीट है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर सदनी जलप्रपात, इसको दूसरा नाम से सदनी घाघ जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो गुमला में है। ठीक है दोस्तों, और इसका ऊंचाई 60 मीटर है और फीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 200 फीट है, जो तीसरा झारखंड में ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर मोतीझरा जलप्रपात, जो ये साहेबगंज में है और इसका ऊंचाई 46 मीटर और इसका 150 फीट ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, मोतीझरा जो है वो साहेबगंज में है और ये अजय नदी के तट पर है, अजय नदी के तट पर है। दोस्तों, ये तीसरा हमारे झारखंड में ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर घाघरी जलप्रपात जो लातेहार में है। ठीक है, और इसका ऊंचाई 43 मीटर है और फीट में देखेंगे 140 फीट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका झारखंड का चौथा ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखेंगे दोस्तों, पांचवा नंबर, अभी दोस्तों हम क्या बताएं कि घाघरी जलप्रपात लातेहार में है और इसका ऊंचाई है 43 मीटर है, 43 मीटर और इसका फीट के अगर हिसाब से देखेंगे तो 140 फीट इसका ऊंचाई है, जो झारखंड में ये चौथा नंबर पे है। आगे देखते हैं दोस्तों, दशम या दसोंग जलप्रपात जो रांची में है, जो 40
मीटर है और 130 फीट इसका ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, दशम को दशों के नाम से जाना जाता है जो रांची में है और इसका ऊंचाई 40 मीटर है, उसके बाद 130 फीट इसका ऊंचाई है। आगे देखते हैं दोस्तों, हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है और इसका ऊंचाई 37 मीटर है और फीट में देखेंगे तो 121 फीट इसका ऊंचाई है। इसका आगे देखेंगे दोस्तों, गौतम घाघ जलप्रपात जो लातेहार में है, इसका ऊंचाई 37 मीटर और फीट में 120 फीट इसका ऊंचाई है। दोस्तों इसको आपको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना होगा कि सबसे पहला में कौन है, दूसरा में कौन है। सीक्वेंस वाइज हम कुल मिलाकर के 8 बताएं, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन इसमें ऊंचाई भी पूछा जा सकता है या कितना फीट है वो भी पूछा सकता है और किस जिला में है वो भी पूछा जा सकता है और सबसे ऊंचा या दूसरा ऊंचा या तीसरा ऊंचा, इस सीक्वेंस वाइज आपको इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से अभी हम लोग देखें ऊंचाई या सीक्वेंस के अनुसार, लेकिन अभी हम जिला के अनुसार अभी बता रहे हैं आप लोग को। दोस्तों हजारीबाग के अंतर्गत अभी हम सीक्वेंस वाइज बताए थे, लेकिन अभी हम जिला के अनुसार अभी बताते हैं कि कौन जिला में कितना और कौन प्रमुख जलप्रपात है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पहला सूरजकुंड जलप्रपात, दूसरा बोकारो जलप्रपात बराकर नदी तट पे स्थित है और सूरजकुंड दोस्तों बरकट्ठा में ये स्थित है। दोस्तों हजारीबाग में दो प्रमुख जलप्रपात हैं। दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा नंबर में चतरा। दोस्तों इसके अंतर्गत जलप्रपात प्रमुख जो आते हैं गोवा, जो जलेद गांव में, एक जलेद गांव है वहाँ ये स्थित है। उसके बाद तमासिन, इसको कहीं कहीं आपको तमासिर मिलेगा, तमासिर जो चतरा में स्थित है। उसके बाद मलुदा जो चतरा में है, उसके बाद केरीदा दोस्तों ये भी चतरा में है। दोस्तों चतरा में गोवा बताएं जो जलेद एक गांव है वहाँ स्थित है, तमासिन उसी को तमासिन बोलते हैं, मलुदा केरीदा जो चतरा में प्रमुख जलप्रपात हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं गिरिडीह में दोस्तों एकमात्र उसरी जलप्रपात है। ठीक है, आगे देखते हैं कोडरमा। दोस्तों कोडरमा में एक बहुत प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम है सतवागन, बहुत प्रमुख जलप्रपात है जो एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों पलामू, यहाँ एक कुंड जलप्रपात है। लोहरदगा, यहाँ घरघरिया जलप्रपात और एक निंदी जलप्रपात यहाँ लोहरदगा में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं गढ़वा। गढ़वा में हेसातु, गुरसिंधु, उसके बाद गुंगा झंझ, सतबहनी, सुखलदरी, बलचौरा। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा जो प्रमुख जलप्रपात गढ़वा में है, हेसातु, गुरसिंधु, गुंगा झंझ, सतबहनी, सुखलदरी और बलचौरा, ये प्रमुख जलप्रपात आपका गढ़वा में। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ ज़्यादातर ग से नाम यहाँ आ रहा है, गुंगा झंझ, गुर सिंधु जो गढ़वा में है। आगे देखते हैं गुमला। दोस्तों यहाँ सदनी घाघ जलप्रपात जो अभी हम बताए थे सीक्वेंस वाइज जिसका स्थान प्रमुख रहा था जो गुमला में है, इसी को सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात बोलते हैं। उसके बाद नागफेनी, उसके बाद हेपाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रेमा घाघ जलप्रपात यहाँ गुमला में प्रमुख है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं रांची में जो बताए थे दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू। ठीक है, जो सुवर्णरेखा नदी पर है, 98 मीटर ऊंचाई है और फीट में इसका 321 फीट ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सीता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पंगूरा,
पंगूरा जलप्रपात रांची में है। उसके बाद देखे थे दोस्तों दशम जलप्रपात जो रांची में है। उसके बाद बताए थे दोस्तों जोन्हा, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात रांची में है। दोस्तों यहाँ माना जाता है गौतम धारा इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में स्नान किए थे, इसी चलते हुए इसे गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये मुख्य रूप से यहाँ रांची में जलप्रपात स्थापित है। दोस्तों आगे हम देखते हैं पश्चिम सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात स्थापित है। इसके साथ साथ खुट्टी यहाँ पंचघाघ जलप्रपात है। दोस्तों इसमें माना जाता है या बताया जाता है कि जब यहाँ ऊपर से पानी या जल गिरता है तो यहाँ पंचघाघ इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पांच धारा में बट जाता है, इसी चलते हुए इसे इस जलप्रपात को पंचघाघ नाम रखा गया है जो आपका खुट्टी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं लातेहार। दोस्तों जो सबसे पहला स्थान, सबसे ऊंचाई जो है बूढ़ा घाघ घाघ जलप्रपात, इसको दूसरा नाम लोधा घाघ जलप्रपात है जो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है और ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे तो 450 फीट है और 137 मीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दूसरा कांती जलप्रपात, उसके बाद देखेंगे लोध जलप्रपात जो बूढ़ा नदी पर स्थित है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों गौतम घाघ जलप्रपात, ये भी लातेहार में है। उसके बाद मिर्चैया जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात ये भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान देना है जो मुख्य बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों हम अभी जलप्रपात के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके डिस्कस किए कौन जलप्रपात कितना ऊंचाई है, किस नदी पे है और कहाँ स्थापित है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक चर्चा किए। दोस्तों आप इस जलप्रपात को आप सीक्वेंस वाइज जो बताएं, फर्स्ट में सबसे मुख्य बिंदु बताएं दोस्तों जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है। सबसे पहला बूढ़ा घाघ जलप्रपात। दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस नदी पे स्थित है, कितना इसका ऊंचाई है, कितना मीटर है, कितना फीट है, उसे दोस्तों दूसरा नंबर हुंडरू जलप्रपात एग्जाम में अभी तक इसके बारे में पूछा गया है। तीसरा नंबर सतवागन जो कोडरमा में स्थित है उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। चौथा नंबर में हिरनी जलप्रपात, इसके बारे में एग्जाम में आया है। दोस्तों जोन्हा जलप्रपात अभी बताए थे, गौतम धारा जलप्रपात। दोस्तों एक गौतम धारा है और एक गौतम घाघ है, गौतम धारा और गौतम घाघ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये दोनों में गौतम धारा जो है वो आपका रांची में है और गौतम घाघ जो है वो आपका लातेहार में है, इस बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ज़्यादातर घाघ जो लगा हुआ है वो लातेहार के जलप्रपात में लगा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों चार पांच क्वेश्चन जो जलप्रपात से महत्वपूर्ण आज तक पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम बताएं। दोस्तों दोस्तों जलप्रपात के महत्व बिंदु के बारे में अभी हम डिस्कस किए। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।